नीचे उतर रहे हैं, टाइगर गुफा देख लिए हमने, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो देखिए हम नीचे आ रहे हैं, बड़ा मुश्किल है नीचे आना, काफी फिसलन है यहाँ पर। ये देखो देखो देखो, नीचे जाना होता है। काफी स्लिपरी है यार। गाइस एक्सपीरियंस बहुत, गाइस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। देखिए यहाँ पे चढ़ना बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, फिसलन बहुत है। और मेरा भाई है ना, वो एडवेंचरस गुरु है, उसको तो एडवेंचर लेना ही पसंद है, और हमें भी अपने साथ अपने जैसा बना दिया है इसने, हमें भी अपने जैसा बना दिया है ना। मेरा भाई भी वैसा ही है, मैं भी ऐसी हूँ, और ज्योति भी वैसे ही है, हम लोग एडवेंचर लेते रहते हैं। और ये देखिए कितने टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, और देख गाड़ी तो कितनी ज़्यादा हिल रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और तुम लोग तो यहाँ पर पहली बार ड्राइव कर रहे हो, तो प्लीज़ ढंग से चलाना गाड़ी। गाइस उत्तराखंड जितना ज़्यादा सुंदर है, वहाँ के रास्ते उतने ही ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, खतरनाक हैं, तो यहाँ पर ड्राइव करना तो बहुत ज़्यादा साहस का काम है। तो आज मेरा भाई तो पहली बार ड्राइव कर रहा है, और जब गाड़ी हिल रही थी ना, तो मेरी सांसें तो थम रही थी, मैं तो बहुत ज़्यादा डर रही थी, बट ये है कि मुझे पता है कि मेरा भाई अच्छे से गाड़ी चला लेगा। गाइस आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने ससदारा रोपवे से एग्जिट कर लिया है, और अब हम थोड़ा सा घूमने निकले हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर विलेज है, और इस विलेज का नाम है शेरा, जो कि बहुत ही प्यारा नेम है। तो आप देख सकते हैं देहरादून में कितने सुंदर सुंदर विलेज भी हैं। चट्टानों वाला रॉक गाइस देखिए ये है रॉक हिल, एंड यहाँ पर देखिए क्लाइंबिंग हो रही है, एंड यहाँ पे एक गुफा भी है, देख सकते हैं। मुझे लगता है ये टाइगर गुफा है, टाइगर गुफा नहीं, गुफा बीच में है। यहाँ पे मुझे लगता है स्नेक्स वगैरह भी बहुत होंगे, बहुत सुरंगे हैं इसमें देखिए। हाँ आ जाओ, हाँ थोड़ी सी कर लो, अंदर चल तो घुसी जाएंगे जंगल में। हाँ गुफा के अंदर घुस घुस के वो टाइगर ना निकल जाए, टाइगर इतने में निकलेगा, स्नेक निकल सकता है ना, इसमें तो टाइगर ही घुसेगा कोई जानवर, इसमें मुझे लगता है फॉक्स वगैरह घुसती होगी। तुम इसको देख नहीं रही हो, यहाँ वहाँ पर है केज, वहाँ पे केज नहीं, वहाँ पे डैन है, टाइगर डैन निकल, टाइगर डैन। तो मुसी की तो कह रही हूँ घुस मत जाना, टाइगर फॉक्स वगैरह बाहर निकल जाएगी। तो गाइस फाइनली हमने रॉक क्लाइंबिंग कर भी ली है, और काफी मजा आया, काफी एडवेंचरस था, फिसलन तो बहुत खतरनाक थी, बट गाइस फाइनली हमने कर ही ली। यही है बेटा, डोंट वरी, गाड़ी हमने पीछे कर रखी है खड़ी, देख सकते हैं कहाँ है, क्योंकि आना सो रही है, आना भी सो रही है, और यांस भी गाड़ी में है। तो गाइस ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरे भाई का इस हिल एरिया में ड्राइविंग करते हुए, पर रियली बहुत अच्छी ड्राइविंग की है, इमेजिन नहीं कर सकते इतना अच्छा ड्राइव किया गाड़ी को, हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। हाँ मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं लगा में भी हम कितनी बार रहे हैं कि वो फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहे हैं हिल एरिया में, दिल्ली वाली जगह प्लेन एरिया में तो करते हैं ड्राइव, बट यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही ड्राइव हुआ है। हाँ वो जो रॉक है ना ऐसे बीच में जाके, बीच में जाके तुम पहले बीच में पहुंचोगे तब। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितनी खतरनाक खतरनाक रॉक्स हैं। देखिए यहाँ पे चढ़ना बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, फिसलन बहुत है, और मेरा भाई है ना वो एडवेंचरस गुरु है, उसको तो एडवेंचर
लेना ही पसंद है और हमें भी अपने साथ अपने जैसा बना दिया है इसने हमें भी अपने जैसा बना दिया है ना। मेरा भाई भी वैसा ही है, मैं भी ऐसी हूँ और ज्योति भी वैसे ही है। हम लोग एडवेंचर लेते रहते हैं। और ये देखिए आप विकास रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, देखिए इतनी खतरनाक और डेंजरस पहाड़ियों में चट्टानों में कितना कठिन है चढ़ना। स्लोली स्लोली ये देखिए फाइनली सक्सेस हो गया है रॉक पे क्लाइंबिंग करने के लिए। और ये देखिए अभी भी क्लाइंबिंग और चलती जा रही है, है ना। आराम से जाना, तो फिर रहने दो, यहीं खड़े रहो, ज्यादा ऊपर मत जाओ इधर से, क्योंकि ये रॉक्स बड़ी खतरनाक लगी है, बहुत फिसलन है इनमें। स्ट्रेट भी है और बीच बीच में गुफाएं भी बहुत है। हाँ। कि हो सकता है इनमें कुछ फॉक्स हो, स्नेक्स हो या फिर जहरीले। हाँ नीचे आ जाओ, या तो कच्ची है, हाथ रखने पर ही टूट जा रही है। तो अब मैंने विकास को बोला इजीली नीचे आ जा, क्योंकि ऊपर तो फिर भी चढ़ गया था, पर नीचे आने में बहुत फिसलन भी है, रॉक्स बहुत कच्ची हैं। तो आओ धीरे धीरे आओ विकास, इस बीच पहले थोड़ा आगे को करो। हाँ यहाँ पे। हाँ हाँ पैर रखो सामने, फिर नीचे इधर से पकड़ लो। एडवेंचर लेना तो कोई विकास से सीखे। क्लाइंबिंग करते हुए अच्छा। देखिए कितने सुंदर सुंदर फील्ड्स है और पूरे फील्ड्स हरे दिख रहे हैं, चारों तरफ विलेज है, कोटेज है, रिसोर्ट्स भी है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पर। और अभी भी गाड़ी वहीं पे खड़ी है, रियांश अंदर बैठा हुआ है और आनस सो रही है, इसीलिए हम बाहर क्लाइंबिंग कर पाए हैं, वरना इनके साथ तो पॉसिबल नहीं पाता, पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि अगर हम क्लाइंबिंग करते तो ये भी हमारे साथ जरूर क्लाइंबिंग करते, तो फिर हमारा तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो गाइस देखिए ये पहाड़ों के बीच में से धाराएं आ रही है और ये पानी जाकर सहस्त्रधारा नदी में जा रहा है, और एक साथ तीन तीन पानी की धाराएं हैं, पहाड़ों के बीचों में से पानी आ रहा है। सो गाइज आज की जर्नी तो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस रही, देहरादून के टेढ़े मेढ़े रास्ते और रॉक क्लाइंबिंग करके तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया है। तो आगे का व्लॉग आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।